शार्क टैंक इंडिया से पहले अश्नीर ग्रोवर सार्वजनिक रूप से ज्ञात व्यक्ति नहीं थे, लेकिन सीजन एक के बाद वो पसंदीदा शार्क में से एक बन गए। लेकिन उनकी लोकप्रियता उतार चढ़ाव के साथ आई जब उन्होंने भारत पे से इस्तीफा दे दिया और बाद में लीक ऑडियो के साथ कोटक बैंक के कर्मचारी। दोगुलापन उनकी जीवनी है, जहां उन्होंने अपने बचपन से लेकर कैसे उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया सब कुछ साझा किया है। अश्नीर ग्रोवर के अनुसार दोगुलापन एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, स्वयं हेल्पिंग बुक, स्वयं एक बिजनेस है जिसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहता है। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको भूख की आवश्यकता है, उस भूख के बिना आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। अश्नीर ग्रोवर का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अपनी छुट्टियों के दौरान वह अपने चाचा के घर कनाडा गए थे, जहां उन्होंने भारत से कुछ अलग दिखाया। उन्होंने दिखाया कि दुनिया उनकी सोच से कहीं बड़ी है। कनाडा के बाद उनका परिवार भी छुट्टियां मनाने यूके और यूएसए गया था। वहीं से उन्हें एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अश्नीर के लिए भूख उस कनाडा वेकेशन से आई थी। आपके लिए यह अलग हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है। इसलिए जब आप कोई व्यवसाय या कुछ और शुरू करना चाहते हैं, तो पहले ये देखें कि आप इसके लिए भूखे हैं या नहीं। अश्नीर ग्रोवर ने अपने जीवन के 9 साल नौकरी करते हुए बिताए और अब उन्होंने कहा, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप नौकरी से नहीं कर पाएंगे। आपको एक व्यवसाय शुरू करना होगा, या यदि आप अपना जीवन बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी से प्रसन्न रहेंगे। यदि आप एक व्यवसाय है तो आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, जबकि नौकरी के साथ आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू करना होगा। ऐसा काम या व्यवसाय करें जिससे आपको खुशी मिले। यदि आप अपनी नौकरी से खुश नहीं है तो कुछ पैसे बचाएं और व्यवसाय शुरू करें, या यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो अपने विचार पर काम करना शुरू करें। छोटी कहानी। अश्नीर ग्रोवर के अनुसार नौकरी आपको अमीर नहीं बनाएगी। भारतीय लोग आमतौर पर अपने बच्चों से कहते हैं, उस बच्चे के साथ समय मत बिताओ क्योंकि वो अमीर है। कारण सरल है, एक अमीर बच्चा हमारे बच्चे को बिगाड़ देगा। अब अश्नीर ग्रोवर ने क्या कहा, अपने बच्चे को उन लोगों के साथ समय बिताने से मत रोको जो आपसे ज्यादा सफल है। आपका बच्चा उन लोगों से बहुत कुछ सीखेगा और उनकी जीवन शैली देखकर आपके बच्चे में कुछ करने की भूख हो सकती है जीवन में बड़ा। अधिकांश शिक्षा प्रणालियां हमें आत्मनिर्भर होना सिखाती हैं, लेकिन जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो ये ठीक नहीं होता है। आप अपने दम पर सब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। यदि आप एक व्यवसाय के स्वामी हैं जो एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि कैसे कोड करना है, तो फिर भी किसी और को नियुक्त करना बेहतर है। इस तरह आप समय की बचत करेंगे और सहेजे गए समय का उपयोग सिर्फ ऐप बनाने के लिए कुर्सी पर बैठने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है। कुंजी शब्द है, आपको सब कुछ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी को नियुक्त करें और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा याद रखें कि सह संस्थापक, आपके कर्मचारी, आपके निवेशक, नियामकों, आपकी प्रतिस्पर्धा और यहाँ तक कि कुलपतियों से पहले ग्राहक आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर वे खुश हैं तो हर कोई खुश होगा, अन्यथा आपके लिए मुश्किल होगी। व्यापार की दुनिया में समय जीवित है, एक क्या आप उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं, दो क्या आप उन सभी के लिए एक टुकड़ा लेने के लिए तैयार हैं, तीन क्या आप इस बात से काफी उत्साहित हैं कि उनके द्वारा अपना टुकड़ा लेने के बाद और समग्र अनिश्चितता से क्या बचा है। जबकि हर कोई यात्रा में एक भूमिका निभाता है, वास्तविक कहानी निस्संदेह आपके और आपके ग्राहक के बीच ही है। आपने सुना होगा कि यूएसए में जब कोई लड़की लड़का 18 साल का हो जाता है तो उसके माता पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अपने दम पर कुछ करो। अब अश्नीर ग्रोवर ने क्या कहा है, जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमेशा अपने परिवार को अपने साथ रखें, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपका परिवार आपकी मदद करेगा। आपके दोस्त या सह संस्थापक नहीं, केवल आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होगा। अश्नीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर थे।
जो कुछ भी कहा गया है, मैं निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने और हर तरह से अपना उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यदि आप इसके बारे में पर्याप्त महसूस करते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको इस विचार को क्यों छोड़ना चाहिए कि आप गलतियां कर सकते हैं। मेरी एकमात्र सलाह ये होगी कि सुनिश्चित करें कि ये गलतियां नहीं है, न कि वे जिनका मैं शिकार हुआ और जिसकी कीमत चुकाए। जहाँ तक मेरी कहानी की बात है, मुझे प्यार करो या मुझसे नफरत करो, जब तक कि आप कहानी के प्रति उदासीन नहीं हैं और इससे मिलने वाले कई सबक हैं, मैं अपनी यात्रा को आपके साथ साझा करके जो करने के लिए तैयार हूँ उसमें मैं खुद को सफल मानूंगा। अपने आप को पहले रखो हमेशा। एक संस्थापक के रूप में प्रत्येक द्वितीयक बिक्री अवसर पर अपने स्टॉक को समाप्त करने में संकोच न करें। मेरा मतलब है, उदाहरण के तौर पर पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को ही ले, उन्होंने पेटीएम आईपीओ के दौरान अपना हिस्सा बेच दिया। आईपीओ की कीमत 2150 रुपए थी, उसने अपनी कुछ होल्डिंग बेच दी और बाद में पेटीएम शेयर लगभग 550 रुपए लगभग में खरीदा। साथ ही सुनिश्चित करें कि सभी द्वितीयक बिक्री केवल आपके माध्यम से ही हो सकती है, कभी भी उन्हें खुले बाजार में बेचने की गलती न करें। जितना आप अपने व्यवसाय के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उतनी ही अधिक शेयरों के लिए निवेशकों से पूछना न भूलें। जब भी आप अपने कमजोर पड़ने के लिए उनकी अपेक्षाओं से परे एक मील का पत्थर प्रदान करते हैं। और अंत में हमेशा कर भुगतान की योजना बनाएं।